हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, एक भारतीय को स्वामी विवेकानंद जी का नाम हमेशा ही गौरवान्वित करता है और मैं हूँ अभी गाजीपुर में, अपने होम टाउन में। और पता नहीं ये बात सबको पता है या नहीं, बट स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाने के पहले गाजीपुर में अराउंड 4 महीने स्टे किए हुए थे। तो गाजीपुर शहर से अराउंड 4-5 किलोमीटर दूर एक पौहारी बाबा का आश्रम है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ठहरे हुए थे। और पौहारी वहाँ से वो बहुत ही इंस्पायर्ड हुए थे, उसके लिए वो शिकागो के पहले यहाँ आने का प्लान किए थे। तो मुझे आज ये सौभाग्य मिला हुआ है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और इस वीडियो के थ्रू आप सभी को दिखाऊँ कि स्वामी विवेकानंद जहाँ पे स्टे किए हुए थे वो जगह आज कैसा है, जिसे आप घर बैठे देख सकते हो। अभी मैं हूँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास, आप सामने देख सकते हो। इसकी भी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है, मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, मैं लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो चैनल पे। और ये रोड है, देखिए यहाँ से 4-5 किलोमीटर हम लोग आगे जाएंगे पौहारी बाबा आश्रम। तो दोस्तों, ये है एंट्री गेट पौहारी बाबा आश्रम जाने के लिए। तो अंदर चलते हैं इसके, और रास्ते की हालत बहुत अच्छी नहीं है जैसा कि आप देख सकते हो। हम लोग गांव के बीच से होते हुए निकल रहे हैं। सरसों की खेती बहुत हुई है यहाँ पे, पीले पीले सरसों के फ्लावर आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और रास्ते का कंफ्यूजन है थोड़ा शायद कि आगे प्राइमरी स्कूल है, तो मे बी मुझे पीछे जाना है, रास्ता ये नहीं है। एक बारी कंफर्म कर लेते हैं किसी से। तो अभी एक अंकल से पूछा है हम लोगों ने, गूगल मैप यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बराबर, वो धोखा दे दे रहा है। तो अंकल ने बोला है कि ये आगे से जाना है तो पास में ही है। और ये है कंपोजिट विद्यालय कुर्था। तो पौहारी हुआ जो आश्रम है वो कुर्था क्षेत्र में पड़ता है, जनपद गाजीपुर। तो आइए चलते हैं। गांव के रास्ते हैं तो चलाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बट कोई नहीं, पहुंच ही गए हम लोग, थोड़े टाइम में डेस्टिनेशन पर ही पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं ये है पौहारी बाबा आश्रम का मेन गेट। तो अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं आ गया हूँ पौहारी बाबा आश्रम। ये वही प्लेस है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी 3 से 4 महीने स्टे किए हुए थे। आप मेरे पीछे सारे टेम्पल्स देख सकते हैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो यहाँ के महंत हैं, यहाँ के जो संचालक हैं वो हमसे शेयर करेंगे। तो थोड़े टाइम में उनसे मिलवाता हूँ और सारी जो इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। पौहारी बाबा आश्रम के अंदर आपको ये एक शिलालेख देखने को मिलेगा जिसमें स्वामी विवेकानंद जी और पौहारी बाबा के संवाद यहाँ पे लिखित है। इन दोनों लोगों का कन्वर्सेशन दिया हुआ है, तो मैं क्लोज़अप करता हूँ जिससे आपको ये आसानी से पढ़ने में आए। तो कुछ ऐसा प्लेस है पौहारी बाबा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये है मुकेश तिवारी जी जो कि पौहारी बाबा आश्रम के संचालक हैं। स्वामी विवेकानंद के समय में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर घटित हुई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ बताएंगे जी। ये जो मूर्तियाँ हैं, बाबा ने स्वयं इसको अपने हाथ से निर्माण किया था। ये आगे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, पीछे राधा जी, कृष्ण जी और रंग जी, बालाजी और बलराम जी। इन्हीं मूर्तियों के बाबा पूजा अर्चना किया करते थे, सुबह शाम पूजा अर्चना करते थे बाबा जी। और जब विवेकानंद जी आए थे तो ये दरवाजा जो है ये उसी समय का था। बाबा किसी से फेस टू फेस बात नहीं करते थे, विवेकानंद जी यहाँ बैठते थे और बाबा अंदर बैठते थे, अंदर से उनकी वार्तालाप होती थी। और जब कभी बाबा आते थे तो ये देखिए गुफा है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये गुफा है, इसके अंदर बाबा रहते थे 6 महीने, साल भर, 2 साल भर यही गुफा में अपना ध्यान योग साधना कर किया करते थे बाबा। और जब कभी बाहर आते थे तो ये जो घंटी आप देख रहे हैं, ये घंटी को बजाते थे बाबा, तब लोग को पता चलता था कि बाबा बाहर आ चुके हैं। और यहीं पर बाबा अपना साधना पूजा पाठ किया करते थे पौहारी बाबा। और आपको दिखाते हैं आगे, बहुत सारी रोचक चीजें हैं जानने के लिए यहाँ के। गेट है बाबा का जी, समाधि स्थल है ये, बाउंड्री वाल ना उसी समय का है जब बाबा रहते थे जी जी, उसी समय का ये बाउंड्री वाल है। सर बचा के ये रखा जी, ये बाउंड्री वाल उसी समय का है। बाबा को जब कभी बाहर आने का मन करता था तो बाबा बाहर निकल के, ये जो आप देख रहे हैं साधना स्थल जी, ये बाबा का साधना स्थल है। आइए आपको दिखाते हैं, ये साधना स्थल है बाबा का। बाबा को जब कभी बाहर आने का मन करता था तो यहीं पे बैठ के अपना साधना पूजा पाठ करते थे। एक बार के वृत्तांत थे, जब बाबा यहाँ पे योग साधना कर रहे थे तो ये सामने का जो दीवार है, दीवार से एक चोर मतलब वहाँ पे सेंध फोड़ के होल करके जी अंदर आया था। जी अंदर आया था,
और जो आगे आपको मूर्ति दिखाए हम आगे मूर्ति वो गट्ठर में बांध के ले जाने लगा, तो बाबा यहाँ बैठे थे, ध्यान उनका टूटा जी। तो बाबा सबको बाबा, अपने को दास, यानी कि दुनिया की सबसे छोटी इकाई अपने को समझते, अपने समझते थे जी, सबको बाबा कहते थे। तो चोर को भी बोले, कह रहे चोर बाबा आप अंदर और सारा सामान है उसको छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं, तो गठरी बांध के खुद आए बाबा यहाँ पे देने के लिए। तो चोर यहीं पे घूमने लगा, उसको कुछ समझ में नहीं आया जी। तो बाबा से वो ज्ञान लिया, तो गुजरात में काठियावाड़ पर्वत है जहाँ पे योग साधना कर रहा था वो। तो विवेकानंद जी का काम था देशाटन करना, घूमते रहना इधर उधर। तो विवेकानंद जी घूमते हुए पहुंचे वहाँ पे गुजरात, बोले अरे भाई आप इतनी ऊंची प्रकाष्ठा पे कैसे पहुंच गए। तो बोला कि भाई हमारी क्या मनोदशा है, हम तो गए थे बाबा के स्थान पे चोरी करने के लिए पोहारी हुआ के, हाँ उन्हीं कृपा से आज हम इतने बड़े संत हुए हैं। तो उन्हीं के प्रभावित होकर विवेकानंद जी और अपने गुरु से रामकृष्ण परमहंस से, मतलब उनके प्रभावित होकर यहाँ पे आए थे दर्शन करने के लिए, पोहारी हुआ के दर्शन करने के लिए। ये पोहारी हुआ का समाधि स्थल है जी। आइए उनके बड़े भाई का गंगा बाग समाधि स्थल है, जिनकी हम लोग चौथी पीढ़ी है। बाबा तो बाल कर्मचारी थे जी, इन्होंने तो शादी भी किया नहीं हुआ था, ये उनके देख रेख का काम करते थे, बाहर का जो आश्रम का काम देख रेख होता था ये बाबा के स्वयं किया करते थे। और ये देखिए ये बाबा का खड़ाव है जो आज भी है, ये इसी खड़ाव को पहन के बाबा आते जाते थे जो आज भी है, देख रही है सामने से आके। और ये पुरानी तस्वीर, हाँ ये पुरानी तस्वीर काल्पनिक तस्वीर है, क्योंकि बाबा किसी को दर्शन तो देते नहीं थे जी, जी। तो जैसा उनको बताया गया कि ऐसे मन रूप में ऐसे वो है, उसमें तो फोटोग्राफी नहीं थी, तो देखते हुए आए हुए थे यहाँ पे। और ये स्वामी विवेकानंद जी का फोटो था जी, विवेकानंद जी का फोटो है भाई परिमल बनर्जी जी, बदोरिया वेस्ट बंगाल, उन्होंने दिया हुआ है जी, उन्होंने दिया हुआ है जी। और आइए हम आपको दिखाते हैं बाबा का लिखी हुई पुस्तक, ये देखिए ये संस्कृत में, संस्कृत में ये गीता लिखा हुआ है, ये करीब 200 साल पुरानी पुस्तक है ये संस्कृत में गीता लिखा हुआ। ये देखिए ड्राइंग बाबा बनाते थे अपने हाथ से, ये सब पतली नखासी आँख देखिए जो पुराने नरगज के गंडे कलम होते थे, और फूलों के रस से, ये फूलों के रस से, ये देखिए जैसे लग रहा है एक बराबर टाइप में सब लिखा हुआ है। बहुत सारी पुस्तकें बाबा ने लिखा है, एक गीता लिखा हुआ है, रामायण मतलब जैसा हम लोग देख सकते हैं ये जी, मतलब जी। मशीन से नहीं हुआ, मशीन ये, से नहीं, ये सब हाथ से, ये सब हैंडमेड जी, जी हैंडमेड, कोई एक अक्षर आपको ऊपर नीचे नहीं दिखेगा, सब एक बराबर, ये सब बॉर्डर वॉर्डर सब अपने हाथ से किए हैं बाबा ये जी। आज भी उससे करीब 200-250 साल पुरानी पुस्तक है, तो ये पानी में भी गिर गया था जी जी, लेकिन कलर डिसकलर नहीं हुआ, जिसका तसी है जैसा है तैसा, ये जैसे हम पुस्तक उसी तरह है बना हुआ। ये जो आप पेंटिंग देख सकते हैं ये समझ लीजिए 200 साल पुरानी पेंटिंग्स हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें 200 साल पहले लिखी हुई थी, और सेम ये पेज मैं जो पकड़ रहा हूँ अभी वो वही है, इसको बस लेमिनेशन करा के रखा गया है सो दैट ये फ्यूचर में ख़राब ना हो। और आपको कुआँ दिखाते हैं बाबा का, इस कुएँ के बारे में भी एक कहानी है। कुआँ बाबा ने सब एक दिन में निर्माण किया था, इस कुएँ का, इस कुएं का हुआ ऐसा कि बाबा भंडारा कराते थे जेठ के अमावस्या को, आज भी होता है भंडारा, हर साल होता है, इस साल भी होता है। तो जेठ के अमावस्या जब भंडारा करा रहे थे तो पहले पब्लिक लोग ज्यादा आने लगे, पहले तो उतना साधन तो था नहीं, तो मंगा दे, तो जो उनके बड़े भाई जिनकी समाधि आपको दिखाए, तो बोले कि भाई बाबा आप तो भंडारा का आयोजन किए, यहाँ पब्लिक तो बढ़ती जा रही है और पानी की भी समस्या हो जाएगी। तो बाबा बोले कि अच्छा ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। तो गंगा माँ जो यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर रहती थी, तो बाबा ने उनको अपने भाई को एक निमंत्रण पत्र दिया, लीला वस्त्र दे के निमंत्रण पत्र दिया कि आप जाइए गंगा माँ से निवेदन करिए इस दास के ऊपर कुछ कृपा करे। तो उनके भाई गए शाम को, उनको निमंत्रण दे के आए, और सुबह आके देख रहे तो गंगा जी इसी नाले में, जो आपको सीढ़ी के पास नाला जी, दिखेंगे, उसी नाले में आके गंगा जी बहने लगी, गर्मी के समय में, उस समय की बात है, उसका रिकॉर्ड आज भी अफीम फैक्ट्री जो है उसके गजट में लिखा हुआ, क्योंकि अफीम फैक्ट्री में पूरा पानी घुस गया गर्मी के समय में, क्योंकि कारखाने में काम तो मतलब जो आप बातें कर रही है ऐसा नहीं है काल्पनिक, रिकॉर्ड भी है। तो अंग्रेजों लोग बोले कि भाई इतने गर्मी के समय पानी कहाँ से आ गया, ये तो पता चला कि बाबा का भंडारा चल रहा है। विवेकानंद जी काफी प्रभावित थे इनके बात से, क्योंकि वो बताते थे जैसा बताया गया है कि जब शिकागो में वो भाषण देने के लिए गए थे तो कहते कि हमारे स्वरूप में दाएं साइड में रामकृष्ण परमहंस जी और हमारे बाएं साइड में स्वामी पोहारी हुआ, दोनों लोग विद्यमान हैं, उन्हीं के प्राकरूप से मैं बोल रहा हूँ। जैसा कि मैंने अभी गूगल पे देखा था तो लिखा हुआ था कि विवेकानंद जी कुछ ही दिन के लिए आए, 2000 दिन के लिए, मगर उनका इतना प्रभावित हो गए थे कि 3-4 महीने स्टे कर रहे हैं। विवेकानंद जी की पत्रावली दिखा रहे हैं जो पत्र प्रकाशित करते थे जी जी, उनके हाथ द्वारा। ये देखिए गाजीपुर के बारे में पत्र लिखा है उन्होंने कि मैं गाजीपुर कैसे आया, वो अपने मित्र को सुरेश बाबू को पत्र लिखते थे और यहाँ गगन बाबू के पास रुकते थे। इसमें देखिए लिखा हुआ है आपका कृपा पात्र कल मिला, सुरेश बाबू की बीमारी अत्यंत कठिन है यह जानकर बहुत दुख हुआ, आप भी बीमार हो गए यह जानकर बहुत दुख हुआ, मतलब अपने बता रहे कि हमारी बीमारी के पास जब ये यहाँ पर आए पोहारी बा के यहाँ। ये देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं जो देखिए, अब ये अपने मित्र को 3 मार्च 1890 में वहाँ पे लिखे थे आपके कृपा पात्र भी मिला, शायद आप नहीं जानते कि मैं कठोर वेदांती विचारों करता हुआ
कुछ दिनों से मैं पहारी जी के यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। जब यहाँ पे आए ना तो उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई थी जी। क्योंकि वो बनारस में थे तो यहाँ पे आए तो तबीयत उनकी खराब हुई, तो वही लिख रहे हैं कि कुछ जी मैं पहारी जी के यहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, पर उनकी बड़ी कृपा है कि वो प्रतिदिन मेरी खोज खबर लेते थे। बाबा तो अंदर रहते थे लेकिन बाहर कौन आ रहा है जा रहा है उनको सब पता होता था। वो अपने भाई से बोलते थे, कह रहे भाई एक गेरुआ वस्त्र पहन के, गेट के पास एक अशोक का पेड़ है वहीं पे विवेकानंद जी बैठते थे, तो कहते भाई गेरुआ वस्त्र पहन के कोई बैठा हुआ है, उनके क्या दिक्कत है आप जाके पूछ के आइए, तो वहाँ पे जाते थे। तो वही बारे में लिखे कि हमारी खोज खबर हमेशा लेते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वही जगह है पे जहाँ पे पोहारी बाबा के साथ स्वामी विवेकानंद जी आके स्टे किए हुए थे, और आज हम लोग सन 2021 में यहाँ पे आए हुए हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए। अगर आप गाजीपुर विजिट करने आते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस प्लेस पर जरूर आइए। स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आई गए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।